गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरे को एक ऐसा सीक्रेट रास्ता मिला जो पता नहीं कहां पर जाता है। क्यों ना गाइस मैं वहां पर जाकर आपको वो रहस्यमय रास्ता दिखाऊं। वो जो आप पीछे घास देख रहे हो रास्ता उसी से जाता है, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले इस घास से होकर एक जानवर को जाते हुए देखा। देखो पत्थर फेंकने पर वो घास के अंदर गायब हो जाता है। क्यों ना मैं भी अंदर जाकर देखूं। ओ भाई साहब, ये तो कोई खुफिया रास्ता निकला। बस गाइस यहाँ पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब ये दीवार के पास कौन खड़े है, वो भी इंसान जैसे, और इनके हाथ में तो हथियार भी है। दिखने में तो गाइस ये मेरे को प्राचीन समय की सेना लग रही है। कहीं ये जिंदा ना हो जाए, मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है। ये प्राचीन समय का शहर होगा पर किसी घटना के बाद जमीन के अंदर समा गया। ओ भाई साहब, इस जगह पर इतने सारे लोग कौन है? ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है और सभी काफी ध्यान से सुन रहे हैं। चलो गाइस अंदर चलकर हम इन लोगों से बात करते हैं। ये तो इंसान नहीं लग रहे। देखो गाइस इनके चेहरे को, सबके सब राक्षस लग रहे हैं। मेरे को तो इनको देखकर डर लग रहा है। ओ माय गॉड, इस तरफ तो और भी खतरनाक मॉन्स्टर है। देखो थानोस साइरन हेड भी है। ये सभी यहाँ पर अपने राजा के पास आए हुए है। क्यों ना गाइस मैं उसे जाकर बात करूं। यार ये राजा भी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा। यार ये तो छूने पर अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया। बस नाराज ना हुआ हो, इसके चेहरे पर तो सिर्फ एक आंख ही है। क्यों ना गाइस मैं भागकर कहीं पर छुप जाऊं। दीवार पर तो उसकी फोटो भी लगी हुई है। शायद ये फोटो तब की है जब वो राक्षस बनने से पहले इंसान था। मेरे को इनका कुछ करना होगा। क्यों ना गाइस यहाँ पर बॉम्ब लगाकर मैं सबको धमाके से उड़ा दूं, क्योंकि अगर ये हमारी दुनिया में आ गए तो पूरा शहर तबाह कर देंगे। अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओ माय गॉड, ये धमाके तो मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा बड़े। देखो धमाके की वजह से यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन उनके राजा को तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है। पता नहीं अब क्या होगा। मेरे पास तो बम भी खत्म हो गए। यार उसके अंदर तो कोई हलचल हो रही है। ये तो चीखने चिल्लाने लग गया। मेरे को गाइस यहाँ से भागना होगा, क्योंकि वो कमीना तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चलो यहाँ दीवार पर छुप जाते हैं। मैंने तो उसको धोखा देकर आगे की तरफ भेज दिया, पर वो गेट पर खड़ा क्यों हो गया। अच्छा होगा गाइस मैं चुपचाप यहाँ से कहीं और चला जाऊं। ये वाला कमरा सुरक्षित रहेगा। लेकिन यार ये जगह तो और भी ज्यादा भयानक लग रही है, क्योंकि जमीन पर हर तरफ इंसानों के कंकाल पड़े। इसको तो भाला मार कर ने जान से मार दिया, और गाइस इस वाले को तो पत्थर से कुचल दिया गया। हो सकता है इस जगह पर इंसानों को लाकर मार दिया जाता हो। इसके तो तलवार को सिर के आर पार निकाल दिया। मेरे को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बदबू आ रही है। ये अचानक रोशनी कहाँ से आ गई? पता नहीं कौन मेरे को पावर से मार रहा है। ये तो थानोस साइरन हेड निकला, इसके पास तो पावर भी है। और यार ये तो मेरे को भागने नहीं दे रहा। चलो दीवार पर चढ़ जाते हैं। पर गाइस उसने तो पावर से मेरे को पत्थर बना दिया। ताला धक्का देकर यहाँ से भाग गया। मेरे को भी गाइस यहाँ से भागना होगा। देखो वो हवा में लटका हुआ। पर ये अचानक से धमाके क्यों होने लग गए, और मेरे शरीर पर से पत्थर भी हट गए। यहाँ तक कि वो शैतान भी हवा में से फरार हो गया। क्यों ना अभी यहाँ से बाहर निकला जाए, नहीं तो इन कंकाल के जैसे वो मेरी भी हालत ऐसी कर देंगे। बस अब यहाँ पर कोई मुसीबत ना आए। ओ भाई साहब, वो कमीना राजा तो सामने आ गया। ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा है। पर अब मैं इसे नहीं बच पाएगा। गाइस इसका कुछ करना होगा, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये तो मर भी नहीं सकता, क्योंकि गाइस ये पहले से मरा हुआ है। अच्छा होगा यहाँ से भागकर मैं कहीं और चला जाऊं। शायद ये वाली जगह सही रहेगी। लगता है इस जगह पर भी लोगों के साथ काफी यातनाएं हुई, जिसकी वजह से वो सभी मारे गए। मेरे को तो सोचकर ही बुरा लग रहा है। ये अचानक वापस कौन आ गया? मेरे को तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। ये कमीना तो थानोस साइरन हेड है, यहाँ पर आकर मेरे को वापस मारने लग गया।
क्यों ना गाइस इसको गोलियों से मारा जाए। ओ भाई साहब वो तो गोलियां पड़ने पर डर कर भाग गया, पर गाइस अचानक पिंजरे के अंदर से ये सभी कंकाल बाहर के से आ गए और हमला भी करने लग गए। गाइस इनके पास तो काफी खतरनाक हथियार भी है, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना होगा। शायद वो कमरे से बाहर नहीं आ सकते, क्यों ना गाइस मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। रास्ते में तो सैनिकों के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड ये तो बाहर निकल आया। ओह नो इस बारिश का काम तमाम कर दूंगा, ये तो सच में मर गया। हो सकता है इसके बाद इसके साथी भी बाहर निकल आए। देखो सामने वही रास्ता जहाँ पर से मैं अंदर आया था, अब बाहर निकल जाऊंगा। आखिरकार मैं सुरक्षित बाहर पहुंच गया, पर गाइस अब जो भी हो मैं उसके अंदर कभी नहीं जाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।